नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। जया एकादशी, यानी वैसे तो हर एकादशी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उनमें से भी कुछ एकादशियां ज्यादा महत्व रखती हैं। जैसे हम जया एकादशी की बात करते हैं तो मान्यता ये भी है कि उस समय राजा हरिश्चंद्र ने खोया हुआ राजपाट भी अपना वापस पा लिया था, और तो और उनका पुत्र भी जीवित हो चुका हो उठा था जया एकादशी का व्रत करने से, यानी इस महत्व को समझने से, पूजा विधि विधान से। तो सोचिए, कुछ एकादशियां हमारे जीवन में कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा इनफैक्ट रोल निभाती है। बट इनफैक्ट सिर्फ हम कुछ एकादशियों की बात नहीं, हर त्योहार, हर पर्व, हर रिचुअल हमें कोई ना कोई संकेत दे करके जाता है, कोई ना कोई मैसेज देकर के जाता है, कोई ना कोई हमें एक अच्छी शिक्षा देकर के जाता है, हमारे जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए। अभी ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना करने का खास समय होता है एकादशियां, लेकिन क्या सिर्फ एकादशियां ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए? क्या आगे पीछे नहीं करनी चाहिए? भगवान की आराधना तो कभी भी करनी चाहिए, आपको हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन खास करके किसी खास मौके पर अगर हम कोई आराधना करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। जैसे हम जया एकादशी की बात करते हैं तो कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को भी कंट्रोल करती है ये एकादशी। जो लोग इसका व्रत रखते हैं उन्हें भूत प्रेत पिशाच इन चीजों से डर नहीं लगता है, वो घबराते नहीं है। यानी ये भय जो है, एक डर होता है जो हमें जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है, वो भय वो डर भी खत्म होता है जया एकादशी का व्रत रखने से। और तो और ये भी कहा जाता है कि जो लोग मानसिक स्थिति पर ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, यानी स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बार बार अपने डिप्रेशन के चलते बीमार पड़ते हैं, बार बार इतना ज्यादा सोचते हैं जिसके चलते वो लो फील होने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जया एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा यूजफुल साबित होता है उनके लिए। यानी उनकी जितनी मानसिक परेशानियां होती हैं, स्ट्रेस की परेशानियां होती है, डिप्रेशन की परेशानी होती है, ये सारी दूर होती है जया एकादशी का व्रत रखने से, और हर पाप से मुक्ति मिलती है। लेकिन कौन से पाप जो अनजाने में होते हैं, यानी जानबूझ के किए हुए पाप से तो मुक्ति कभी नहीं मिलती, वो आपने सेल्फ क्रिएटेड है, खुद स्वयं किए हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपने पाप नहीं किया लेकिन उसके भागी बन गया, तो उन अनजाने पाप से आपको मुक्ति मिलती है जया एकादशी का व्रत रखने से। अब तिथि का सवाल आता है, मेन होता है कि तिथि किस दिन से किस दिन तक पड़ रही है और ये व्रत आपको किस दिन रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि माघ महीना और 11 फरवरी का दिन, यानी 11 फरवरी शुक्रवार का दिन, दोपहर का दिन, और दोपहर से 1:53 से जो तिथि स्टार्ट हो रही है, ये तिथि हो रही है एकादशी तिथि शुरू, और ये तिथि अगले दिन 12 फरवरी तक जाएगी, और जो समय रहेगा शाम को 4:28 तक का। यानी उदया तिथि, जब उदय था, सूर्य उदय था, उदया तिथि थी 12 फरवरी के दिन। तो ये जो आपने व्रत रखना है, व्रत रखा जाएगा, ये व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा, ना कि 11 फरवरी को। तो खास करके इसके अंदर बहुत अच्छा मुहूर्त है, जब आप कहते हैं पूजा पाठ कुछ एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, अपने कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं, और साथ के साथ भगवान विष्णु की आराधना स्मरण करते हैं, तो वो समय आपको ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा फायदा देता है। तो ये समय है दोपहर को 12 बजे से लेकर के 12:50 का जो समय है, ये बहुत ही दैवीय समय है, बहुत चमत्कारी समय है। इस बीच बैठ करके अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और साथ के साथ कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदा, लाभ मिलता है,
और आपके जीवन के सारे चक्रास कहते हैं उस समय बैलेंस होते हैं, आपकी सारी एनर्जीज जो है वो कंट्रोल होती हैं और जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो थ्रो होती हैं। तो ऐसे में आपने खास करके जो व्रत रखना है वो तो 12 तारीख का ही रखना है, लेकिन पारण करना है यानी इस व्रत को जो कंप्लीट करना है वो 13 तारीख से करना है। लेकिन पालन आपने यानी व्रत के जितने भी नियम होते हैं पालन आपने करना है वो 12 तारीख नहीं, वो 11 तारीख की रात को सूर्य जैसे शाम का सूर्य अस्त होगा उसके बाद से आपने पालन जो है वो सारे शुरू कर देना। अब नियमों के पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, फ्रेम नहीं करना चाहिए, गाली गलोच नहीं करना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को, तामसिक चीजों का सेवन एक दिन पहले से नहीं, क्योंकि नियम की जब आता रही तो पहले से नियम शुरू करने हैं, तो आपने तामसिक चीजों का सेवन पहले से ही अपने बंद कर देना है, ना कि उसे दिन आपने। और दूसरी बात आती है कि शयन दिन का नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को नहीं सताना चाहिए, इनफैक्ट किसी को भी नहीं सताना चाहिए, पर घर के बड़े बुजुर्गों को खास करके हमें सम्मान देना चाहिए, किसी के नुकसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक होता है कि हमने कर दिया, दूसरा ये कि जैसे मारने वाला कहते हैं ना हम लोग कि मारने वाला जो गुनाहगार होता है, लेकिन मार खाने वाला भी कहते हैं उतना ही गुनाहगार होता है, क्योंकि वो उनके सामने वाले के गुनाह को बढ़ावा देता है। गाली गलोच निकालने वाला जितना खतरनाक होता है, गाली गलोच जो सहन करता है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है, यानी वो सामने वाले की गाली गलोच को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में खास करके ध्यान रखने की जरूरत है कि ना गाली गलोच निकालना है ना किसी की गाली गलोच आपने सुननी है। तो कुल मिलाकर के जब हम सिचुएशंस की बात करते हैं तो हमें कर्मों को भी सुधारना है, हमें अपनी नियत को भी सुधारना है, हमने अपने चक्रों को भी सुधारना है और हमने नियमों का पालन करते हुए किसी भी व्रत और विधि विधान को कंप्लीट करना है। अब पारण की बात आती है, यानी 13 तारीख को पारण करने का जो समय है वो आपने सुबह 9 बजे से पहले ही पारण करना है। यानी सबसे जरूरी क्या होता है कि एकादशी तिथि का व्रत रखना और द्वादशी पे पारण हो जाना चाहिए। और द्वादशी पे भी पारण कहते हैं कि सुबह का समय अगर होता है, सूर्य उदय के आसपास की होरा का जो समय होता है वो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है, वो बहुत ही आपको एक अलग तरह की एनर्जीज देता है। आपने पारण करना है, दान दक्षिणा देनी है, उस दिन दान का जरूर आपका महत्व होता है, दान जरूर करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान का सहयोग करना चाहिए जिसे वाकई ही कुछ चीजों की जरूरत होती है। चावल का सेवन ना स्वयं ना घर के किसी सदस्य को करना चाहिए, एकादशी पे खास करके कहा जाता है कि चावल का सेवन पूरे घर के सदस्य नहीं करने चाहिए। तो ध्यान रखना है कि इन चीजों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका व्रत भी सही होता है, आप वो एनर्जी के हकदार होते हैं जिस एनर्जी के लिए आप ये व्रत रखते हैं, और अनजाने में हुए कष्टों से मुक्ति भी मिलती है, प्लस आपके जीवन में सुखों का रास्ता बनता है, आपका जीवन सुखमय होता है, कष्ट मुक्त होता है। तो जितने भी व्रत आते हैं हमें कुछ संदेश भी देते हैं, कुछ संकेत भी देते हैं, तो हमें उन संदेश को भी समझना है, उन संकेतों को भी समझना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो का तो आपने इंतजार करना ही करना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेंसी चाहते हैं, इंडिविजुअली कंसल्टेंसी चाहते हैं, अगर बहुत अच्छे से आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पेड सर्विस है, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करा करके ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।